आज हम बना रहे हैं स्वीट पानी पूरी। सबसे पहले हम थोड़ा सा उबलता हुआ पानी लेंगे, उस पर चॉकलेट पिघला लेंगे। इस चॉकलेट को अच्छे से मिलाइए। थोड़ा और चॉकलेट डालिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम चॉकलेट लिया हमने, जो हमें हमेशा लगता है। कुछ मिनटों के लिए इसे पिघलने दें। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पूरी तरह से पिघल जाए। हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि एक एक पीस चॉकलेट का है वो अच्छी तरह से पिघले, क्योंकि हम इसे कोटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक पूरी लें, इसे तोड़े और ख्याल रखें कि उसका चूरा जो है वो चॉकलेट में ना पड़े, और उसी पिघले हुए चॉकलेट से पूरे पूरी को कोट कर लें। ख्याल रखिएगा कि ज्यादा चॉकलेट कोट ना हो। अब इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। अब एक बड़ा चम्मच चॉकलेट और लें, इसमें थोड़ा सा राइस क्रिस्पी या कुरमुरे डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक दूसरे पूरी को इस क्रिस्पी वाले चॉकलेट से कोट कर लें, और पहले जैसे ही थोड़ा झटक लें ताकि एक्सेस चॉकलेट या ज्यादा चॉकलेट जो है वो निकल जाए। इसे भी सेट होने के लिए आप 15 मिनट के लिए रख दें। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 3 शॉट ग्लासेस लें, इसमें से 2 में आप बासुंदी निकाल के रखें और 1 में आप मैंगो पल्प निकालें। मैंगो पल्प को आप सादे पूरी के साथ ही खाएंगे, बहुत यमी और बहुत अलग लगेगा ये। और बाकी 2 पे आप जो चॉकलेट की पूरियां बनाई हैं वो रख दीजिएगा। आपका डिजर्ट खाने के लिए तैयार है दोस्तों। वाओ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।